गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से चुनावी शंखनाद कर दिया। जनसभा के दौरान अमित शाह प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे, वादा खिलाफी घोटालों के आरोप भी लगाए। गृहमंत्री के दौरे पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। अगर उमड़ा है, मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह के इस हुंकार के साथ बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद कर दिया है। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर भी जमकर बरसे हैं। गृहमंत्री ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बोले, सरकार ने शराबबंदी की घोषणा की थी लेकिन शराब की होम डिलीवरी शुरू करा दी। नौकरी, बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे भी पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। ये सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार, उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया, देना का मिला है? जोर से बोलो मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई, बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। गृहमंत्री ने मंच से प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि चावल वाले बाबा ने आदिवासियों को तेंदुपत्ते का रेट और पैसा दोनों दिया, लेकिन आज गरीब आदिवासियों का तेंदुपत्ता का 500 करोड़ रुपया बकाया है। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदुपत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था, आज लगभग तेंदुपत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का पका है। अमित शाह ने प्रदेश सरकार पर घोटालों का आरोप भी लगाया और कथित घोटालों के आंकड़े भी दिए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गरीब अन्न योजना घोटाला, गौठान घोटाले, डीएमएफ घोटाले के भी आरोप हैं। सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए, शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए, कोरोना सेज लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वादा खिलाफी से लेकर घोटालों तक के आरोप लगाए हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है और अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभांकर है। वे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लिए शुभ होता है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें आएगी और वो कांग्रेस की 67 सीटें आई। एक बार फिर से वो यहाँ पे दावा करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमें पूरा भरोसा है कि एक बबार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और जो हमारा नारा है कि अपनी बात 75 पार, वह साबित होगा। बीजेपी चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल दुर्ग को कांग्रेस का गढ़ बता चुके हैं और अब बीजेपी ने अमित शाह को बैनार में उतार कर ये बता दिया है कि पार्टी इस गढ़ में सेंध लगाने के प्रयास में। न्यूज 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। बीजेपी महाकौशल साधने की रणनीति बनाने में जुटी है। बालाघाट से सीएम शिवराज ने गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इसके समापन में पीएम मोदी शामिल होंगे। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं।
बालाघाट से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी दुर्गावती की वीरता को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलने वाली गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हालांकि गौरव यात्रा का शुभारंभ गृहमंत्री अमित शाह करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। अमित शाह यहां रोड शो और जनसभा भी करने वाले थे। बीजेपी महाकौशल के वोटर्स को साधने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसी के तहत अमित शाह यहां आने वाले थे। हालांकि दौरा रद्द होने के बाद सीएम शिवराज और प्रदेश दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। मौसम खराब होने के कारण अमित भाई दुर्ग से चले थे, रास्ते में बादल, बरसात और बहुत खराब मौसम के कारण उनको वापस आसमान से ही बीच में लौटना पड़ा और रायपुर की तरफ जाना पड़ा। अमित भाई हमारे बीच फिर कभी आएंगे, लेकिन आज ये अपने चुनाव का शंखनाद है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योग दिवस पर हर जगह योग किया गया, लेकिन कांग्रेस ने योग नहीं किया। कल योग की धूम पूरे संसार में थी, धरती पे योग, समुन्द्र में योग, आसमान में योग, संयुक्त राष्ट्र संघ में योग, बालाघाट में योग, मध्य प्रदेश में योग, लेकिन योग नहीं किया तो कांग्रेस योने नहीं किया। सीएम शिवराज ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने किसानों को खुशखबरी देते हुए कहा कि गर्मी वाली धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाती, लेकिन अगले साल से ये धान भी सरकार खरीदेगी। गर्मी वाली धान होती है, लेकिन गर्मी वाली धान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जाती। किसान भाइयों, अगले साल से गर्मी की धान भी हम खरीदेंगे, समर की धान भी हम खरीदेंगे। बीजेपी महाकौशल को साधने की रणनीति बना रही है। बालाघाट में सीएम ने बड़े ऐलान किए हैं, गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।